हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी की परीक्षा पर चर्चा पर बोले कांग्रेस नेता, फर्जी डिग्री वाले बच्चों को सिखा रहे परीक्षा कैसे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम में देशभर से 2000 स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से संवाद करते हुए उन्हें परीक्षा से जुड़ी समस्याओं से निपटने के उपाय बताए। पीएम के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी की खुद की शैक्षणिक डिग्री वैधानिकता के सवालों के घेरे में है और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आनंद शर्मा ने बुधवार को दिल्ली में हुए इंडियन यूथ कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा के समापन के मौके पर कही। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा, यूनिवर्सिटीज ने उनकी डिग्री से जुड़े सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत मांगे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद परीक्षा पास नहीं की है। इसके साथ ही आनंद शर्मा ने चुनावी परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा, प्रधानमंत्री की खुद अपनी परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है और उनका पूरा विश्वास है कि वे उसमें असफल रहेंगे क्योंकि पिछले 4.5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जरिए पार्टी, सरकार और मनमोहन सिंह की छवि खराब की गई। आज जनता को बताने की बारी है कि इस बार धोखा नहीं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।